उपायुक्त के आगमन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत रूबन मिशन के तहत बने कई योजनाओं का उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन मंगलवार को निरीक्षण किया जाना था। साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर नई योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसे लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलेबीरा विलेश कुमार यादव, अंचल अधिकारी हरीश कुमार, थाना प्रभारी, कार्यपालक अभियंता आदि लोगों ने एडेगा पंचायत के पोगलेओ में बने बैंगल प्रोसेसिंग यूनिट भवन निरीक्षण, वहाँ बन रहे तसर सेंटर का भी निरीक्षण किया। वही आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलेबीरा अखिलेश कुमार ने जानकारी दी कि यहाँ पर खाली पड़े पुराना भवन को मरम्मति करने के लिए कार्यालय अभियंता को कहा गया। वही पोगलेया के महिला समूह की दीदियों से मिलने के बाद इन्हें बैंगल बनाने की प्रशिक्षण कर लौटे समूह की दीदियों को उपायुक्त के उद्घाटन समारोह में जो ड्रेस मिली है उसे पहन कर आने के लिए कहा गया। वही पोगलेया में निरीक्षण के बाद लचड़ागढ़ पहुँचे। लचड़ागढ़ में रूबन मिशन के तहत बने बजार शीट निर्माण का जायजा लिया। वही बाजार टांड में बाजार शेड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। साथ ही शनिवार को लचड़ागढ़ बाजार का निरीक्षण किया गया। बाजार में अवैध तरीके से लगी बॉयलर चिकन शॉप को बाजार में एक साइड लगाने के लिए कहा गया। बाजार में कुछ होटल एवं दुकानदार बड़ी जगह लेकर कब्जा जमाए हुए, उन्हें अपने सीमित में होटल करने के लिए भी कहा गया। वहीं लचड़ागढ़ बाजार में खैनी चूना बेचने वाले विक्रेताओं की भी जांच की गई, कहीं खैनी चूना विक्रेता गांजा तो नहीं बेचते। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलेबीरा अखिलेश कुमार, कोलेबीरा अंचल अधिकारी हरीश कुमार, कार्यपालक अभियंता, थाना प्रभारी मनोज कुमार गोस्वामी आदि लोग मौजूद रहे। खंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा।